हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे कोर टीचर वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की तरफ से। दोस्तों, यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, कितना स्टूडेंट मिलने वाला है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट पर, बात करते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल साइट पहले से मैंने ओपन कर रखी है। अगर आपको इसका लिंक नहीं पता है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियल साइट से मैंने जो पीडीएफ है उन्होंने डाउनलोड कर लिया है। और पहले हम दोस्तों यहां पे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले यहां पे एक संक्षिप्त विज्ञापन दिया गया है, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहां पे दोस्तों आपकी जो फॉर्म है 28/9/2021 को अपडेट हो गया है। 28/9/2021 से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो लास्ट डेट है 27/10/2021 है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, इसके लिए यहाँ पे दोस्तों अलग अलग पीडीएफ बनाई गई हैं और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में वैकेंसी को मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे डेट के बारे में बताया गया है, 28 तारीख को फॉर्म आपका आया था और 27/10/2021 इसकी लास्ट डेट है। अप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ पे मेंशन की गई है, अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC दोस्तों के लिए 1550 फीस पे करनी पड़ेगी, SC ST दोस्तों के लिए यहाँ पे 650 पे करनी पड़ेगी और PWD और वुमेंस के लिए दोस्तों यहाँ पे 50 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। इसके पहले दोस्तों यहाँ सन 2019 में भी फॉर्म निकाला गया था, 13/4/2021 ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये निकाला गया था। लेकिन अगर आपने इस पे अप्लाई किया था तभी दोस्तों आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पे करके आप यहाँ पे यह आवेदन फॉर्म फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 550 अब आपको फिर फीस पे करनी पड़ेगी, तब आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेंगे। यहाँ पे ये स्टार करके मेंशन किया गया है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो उन्हें हम नीचे देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपकी या सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं या फिर आपका जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपकी कैटेगरी मेंशन की गई, तो आप अपनी कैटेगरी चेक करते रहेगा। हम दोस्तों एक सरसरी नज़र में जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं या फिर आपकी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एनिसेंट हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक है, बिहेवियरल है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोइन्फॉर्मेटिक है और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है दोस्तों, केमिस्ट्री है और यहाँ पे दोस्तों आपकी कॉमर्स है, कंप्यूटर एजुकेशन है, डिफेंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं। लगभग ही दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, 500 के अब ये वैकेंसी के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा पे भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अपना डिपार्टमेंट जो है दोस्तों चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 47 जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आवेदन पत्र उनके लिए यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि स्टार करके दोस्तों जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स को मेंशन करता है, तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे जैसे कि ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके बारे में दोस्तों जानकारी दी गई, इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में दिखाई गई है कि इसमें किस पोस्ट के लिए कौन से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो ये यहाँ पे इसे भी आप दोस्तों देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम दोस्तों देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो ये यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि जो आपको दोस्तों सिलेक्शन होगा यहाँ पे दो तरीके से। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको पहले तो एक इंटरव्यू, पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, विद देन आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों रहेंगी आपकी 2018 रेगुलेशन UGC के जो रेगुलेशन है उसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी। क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे PhD आपके पास कंपलसरी है और नेट आप क्वालिफाई हों। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ उसी ब्रांच में कंप्लीट किया हो, तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन हैं इसकी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% छूट दे दी जाएगी जो दोस्त हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से UGC रेगुलेशन में जो कैटेगरी मेंशन की गई है रिजर्व कैटेगरी उनके लिए यहाँ पे 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे SC ST EWS के लिए जो दोस्त हैं उनके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे वो विशेष अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आप एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार इस फॉर्म को ज़रूर पहले चेक कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप आवेदन पत्र भरिएगा। ऑफिशियल साइट दोस्तों ये दी गई, यहाँ पे आप क्लिक करके ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके इसे ओपन कर सकते हैं। 27/10/2021 इसकी लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ी एक PDF है, पूरा UGC रेगुलेशन 2018 यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है वो बताए गए हैं, तो इसे आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम दूसरी जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो दूसरी पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की है, सेम यहाँ पे
असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बस जो आपका डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लगभग दोस्तों वहाँ पे आपके 47 हैं, यहाँ पे 40 जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, तो इसे आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन आपकी चेंज हो जाएंगी, बाकी दोस्तों आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सेम ही रहेंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपकी प्रोफेसर पद हैं उनके लिए हम देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर हैं तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो दोस्तों हैं वो आपके यहाँ पे थोड़े से कम हो जाएंगे, वहाँ पे आपके दोस्तों सिर्फ 36 डिपार्टमेंट्स बचेंगे, तो आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, और यहाँ पे दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए यहाँ पे लगभग 10 पोस्ट आपकी 9 पोस्ट हैं, 4, 3, 7, 1, 8 और 1, 9 पोस्ट के लिए दोस्तों आप आवेदन पत्र मांगा गया है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी 1050 रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS और SEBC OBC के लिए यहाँ पे 1050 रहेगी, SC ST के लिए 450 रहेगी, वुमेंस और PWD के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। अगर आपने पहले अप्लाई किया है फिर भी आपको 50-50 रुपये पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं तो इन्हें आप चेक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इसमें ये क्वालिफिकेशन जो है UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी। अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि दोस्तों आपकी जो फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल है, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा तभी आप आवेदन करिएगा। और यहाँ पे दोस्तों नीचे चलेंगे तो यहाँ पे बात का राजपत्र फिर यहाँ पे दोस्तों ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपना जाके क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कैसे आप अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिंक करके एक मेंशन किया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो दोस्तों आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पे दोस्तों क्लिक करेंगे, और व्यू डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप ये जो एडवर्टीजमेंट है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, लास्ट डेट मेंशन की गई है और डेट स्टार्टिंग डेट मेंशन की गई है। इस पर दोस्तों क्लिक है टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, तो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे दोस्तों आप इस आवेदन को फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों एक अन्य पोस्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।